But my leg's heavy, I don't get it How come I haven't did it? am something, something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit I got promises, you ain't stopping this Drops my shit, you I got this, I will not quit am quick And I'm gone, it's just a matter of in space, I'm just with my nine five I'm They watching Cause it's shocking Dropping these times live It's time to live Grenade here or what? i How it goes. I don't know But I'm waiting till I'm chose Run, and and These wanna know What you think Boss, <laughs> bye-bye पूरी चाह सुटा रहे आप लोग ट्रेलर से पी देख रहे हो कि क्या सीन हुआ है पहले जरा सलाम दुआ तो करने दो यार अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सबसे पहले सब भाइयों को ईद मुबारक और यार ये वाली यकी कोई ना मारे कि ईद आ गई पर मेरा यार नहीं आया और उसके साथ यार लाइक सब्सक्राइब किया करो यार व्हाट इज दिस बिहेवियर अब आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया और अब मैं इस बंदे का नाम जो दिखा रहा हूँ इसका भी नाम कलम कापी में नोट कर लो क्यों

तो जैसी ना हम इवेंट पे उतरते ना मेरे साथ एक और पैराशूट था तो अब इस बंदे ने ना मुझसे पहले ही गन उठा ली लेकिन मेरे पास कवर था तो अब मैंने कहा भाई दे मार साढ़े चार वाला पुश किया जाए इसको मैं जैसी नोक करता हूँ इसी दौरान मेरा टीम आपके सामने नॉक पड़ा है तो मैंने कहा भाई जाना है टीम को रिवाइव करने के लिए क्योंकि यार टीम को रिवाइव करेंगे फिर जाके कोई सीन वीन बनेगा तो जैसे ना मैं टीम को रिवाइव करता हूँ ना इसी दौरान मुझे एक रेड आउटफिट नजर आता है अब ये वही बंदा था इसको मैंने जैसी कर दिया फिर से टीमेट को जल्दी जल्दी से मैं रिवाइव कर रहा हूँ कि भाई आसरा नहीं करना यार आप लोग तैयार हो जाओ बहुत कुछ देखने के लिए इनका एक और टीमेट कर दिया अब एकदम से भाई मुझे वन एच पी सॉरी वन एच पी नहीं वन एच पी खत्म हो जाती है अब मैं समझ गया भाई ये बंदा इस खोपड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है लोकेशन पकड़ी हुई कि किस -किस तो मैंने भी कहा कि भाई आसरा नहीं करना है तो इसको भी मैंने मार दिया तीन बंदे इनके नॉक हो गए पता नहीं किल कौन कौन किस किस बंदे ने सिक्योर किया लास्ट बंदा था मेरे टीम ने रक्स ने मार दिया चारों के चार मर गए इवेंट सारा क्लियर हो गया और खर उठा के हम आगे पुचिंकी वाले रिकॉर्ड टवर पे अब यहाँ पर जो सामने ब्लू हाउस है यहाँ पर बंदे थे और मैंने अपनी टीम को कह दिया कि भाई आप लोग घर पे जाओ अपन बैक से कवर देगा अब मैं आपको बताता हूँ ना कि स्ट्रैटेजी वाली गेम क्या होती है ना फाइट को ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है ठीक है सामने ब्लू हाउस में है अभी देखो मैं स्प्रे दूंगा आप बोलोगे क्या आर एम क्या कवर दे रहे हो इस तरह कवर तोड़ी देते नहीं सबर देखो तीन बंदे थे तीन के तीन स्प्रे दे रहे थे और मेरे टीममेट्स फाइनली पहुंच गए जैसे ही टीममेट्स पहुंच गए ना इन्होंने अभी एक नॉक करना है और उसके बाद देखो भाई अब मेरे जो आर्टिकल ये दस कैसे होते चमत्कार देखो एक नॉक हो गए टीमेट ने नॉक कर दिया दो बंदे अभी देखो मेरे टीममेट्स गए भी नहीं है अपन का यहाँ से कवर देख रहे हैं भाई भाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी बोली गे में एक नॉक दूसरा भी नॉक चलो भाई खत्म आ जाओ साइड पे सबर सबर आ जाओ अब हम आगे डायरेक्ट ये अपार्टमेंट सॉलिफाइड। पे अपार्टमेंट पे हम जैसे यहाँ पर एक और खर नजर आता है खर के साथ साथ भी इसका नजर आता है खर का अब एक बंदा था उसको ऑन द स्पॉट फिनिश कर दिया एक और बंदा तो उसको मेरे टीममेट ने मार दिया जैसे हम ये वाला एंगल क्लियर करते हैं बैक पे भी एक आ, वो क्या कहते हैं बाइक स्कूटी आ गई थी तो इस बंदे को ना मैं नो करता हूँ एक और के लिए मेरा टीममेट सिक्योर करता है यहाँ की फाइट कंप्लीट होती जा रही है और हम आहिस्ता आिस्ता तरक्की कर रहे हैं और किल्स में भी इजाफा हो रहा है फिर से टीममेट्स को क्या कि जाओ फिर से कवर दूंगा पूरा स्ट्रेटी वाली गेम है अच्छी लोबी है भाई तो यहाँ पर मैं फिर से पहुंच गया ना अभी देखो जैसी ना मेरे टीममेट्स आते हैं ना अगला बंदा खिड़की में मारने की कोशिश

समझ आ रही है थोड़ी से मैंने कंट्रोल्स पे हाथ मारा है तो जिसकी वजह से जब मैं क्लोज में जाता हूँ ना मेरा एम आसमान पे चला जाता है साला ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा बे मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ पर जैसे इस बंदे को मैंने मार दिया जल्दी से फिर मैंने नेडकूक कर लिया कि एक और ट्राई मारते नहीं मिल नहीं नोक हुआ फिर मैंने कोर ट्राई जैसी मारने की कोशिश की थी मैं भाई यहाँ पर फुल जो है वो क्रॉस बनाया हुआ था एक एंगल पे एक था मतलब पूरा जो है अपार्टमेंट गिरा हुआ था समझ आ रही मैं पे रुका और वेट कर रहा था कि कोई ना कोई गुजरेगा और उसको मैं मारूंगा इतने में भाई मेरे साथ ये होता है एम आसमान पे चला जाता है और मैं नोक हो जाता हूँ लेकिन टेंशन नहीं लेनी है भाई भाई सबर यार थक यार बोल बोल के शरबत भी पीना पड़ता है तो मैंने किल अपना जो है इनको दे दिया कि भाई जान जल्दी से मारो फिर हम आगे इधर सिटी पर वाटर सिटी आगे अब वाटर सिटी हम लूट ही कर रहे हैं ठीक है एकदम से भाई मुझे साउंड आता है है एनिमी तो आगे का सीन खुद देखो या अब साथ ही साथ दो बंदे और आगे वही स्ट्रीमर जिसका पीओवी मैंने जो है स्टार्ट में अपलोड किया हुआ था अब इस बंदे ने ना मेरे टीममेट को जैसी नोक स्पोर्ट्स जल्दी जल्दी से फिनिश कर दिया तो मेरे टीममेट ने जैसी नौकिया ना उसने तोड़ा दो चार मुक्के कराया इतने में अभी ये बंदा पुश कर रहा है इसको नहीं पता ग्रेनेडियर बैठा हुआ तो सीन चको ये जो है गुंड्स खास स्नेट के लिए अभी आप लोग सर्कल देख लो और भाई लेफ्ट पे पूरा स्क्वाड है रिकॉल टावर पे वो मार रहा है अब सर्कल जाए तो जाए कहा जो मेन मेन जगह है ना वो एनिमीज ने घेरा हुआ है तो अब मैंने कहा थोड़ा सा दे मार साढ़े चार वाला दिमाग यूज़ करे यहाँ से मैंने एंट्री मारी फिर मुझे ये एंगल कुछ भी समझ नहीं आया अब मैंने सोचा कि वेयर हाउस पर जाते और मुझे हंड्रेड एंड टेन परसेंट पता था कि वेयर हाउस पर कोई ना कोई है समझ आ रही है मैंने कहा अगर तो सिचुएशन संभाल सकते थे तो संभालेंगे लेकिन वो जब कभी कभी आप पहुँच जाते हो ना ऐसा सिचुएशन होता है कि खुद संभाला जाता है मैं जैसे ही यहाँ पर ना एकदम से कितने ज़्यादा स्टेप्स आए बस बस निकलना है भाई भाई टीमेट को बिठाया मेरे का चलो रफू चक्कर हो जाओ नहीं भागने वाला नहीं यार क्या तुम यार क्या हो इधर रुकना है यार इधर में जैसी रुकाना इधर इनका एक और टीमेट बिता लास्ट बंदा हमारे बिल्डिंग में था तो ही ना मैंने एंट्री मारी वही सीन मेरे साथ हुआ से। ये मेरा पूरा राइड पे चला गया और इसी के साथ साथ हम मर गए भाई फिर से सैडन लेकिन नहीं भाई अभी तब चढ़ के कहा नेक्स्ट मैच लगाते और चिकन करना है और फिर मैंने यहां पर नेड को कर लिया कंफर्म कर दो है, जी जी कर दो भाई हो गया, हो गया कमेंट डन करो भाई से अभी नोक हो होगी इतने में, में मेरा भी नोक है और साथ ही साथ बोर्ड को भी फिनिश कर दिया अब इसका टीम मेट इसको रिवाइव कर रहा है और मैं यहां पर अगर मैंने अकेला पुश करना था तो मैं फिनिश हो सका क्यों क्योंकि दिस इज पाकिस्तानी लोबी बाई बाई अब इंतजार करना था और मैंने जो है ना फुल ब्लाइंड नोक देना आप लोगों ने देखना है जरा दे दे जाओ। दे जाओ। दे जाओ। दे जाओ। ये बीस मोड का एक अलग लेवल होते है ना इस तरह जो सीन करने का जी इवेंट क्लियर हो कि इवेंट पे इतने बंदे नहीं थे हम आगे मैं सॉरी आ गया पुचिंकी में मेरे टीममेट्स खर पे घूम रहे और मुझे समझ आ गई थी भाई यहाँ पर पूरे पूरे बंदे है ज्यादा बंदे है भाई पुचिंकी में फाइट हो रही है और मेरे पास क्या है ओम अब एक एक बंदे को हम चुप करवाएंगे अब इस गेम की जो स्टोरी है वो काफी लंबी है आप लोगों ने पूरी देखनी है यहां पर बंदा मुझे फायर देने वाला था तो उसको मैंने ऑन द स्पॉट नॉक कर दिया और साथ ही साथ लड़ रहे है। बंदे मैंने कहा शॉर्टे मारते लगा तो लगा नहीं लगा तो कोई नहीं काटना नहीं है नहीं देखो टीमेट्स पता नहीं ये एनिमीज की कैसे कैसे नॉक हो रहे इधर फुल लड़ रहे भाई बॉडी शॉट पड़ रहा है फिर जाके इसको हैड शॉर्ट पड़ जाता है इतने में मेरे टीमेट्स में भी ऐसे ऐसा पहुंच जाते हैं मेरे भी जो किल्स थे वो भी सिक्योर हो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा कौन किस को मार

अब इसी दौरान आप लोगों ने एक टीम का नाम नोट किया होगा सफ़र एक बार इधर ये मोटरसाइकिल वाला जा रहा था यार मैंने बोला रुको यार तो इसको जो है ज़ख्मी कर देता हूँ लेकिन बच जाता है यार बड़ा दुख होता है यार अगर हेड शॉर्ट पड़ जाता तो इस ए एम को क्या होता है ए डब्ल्यू एम भी बेवफा हो गया फिर मैं आ गया एक और एंगल पे क्योंकि सर्कल कट रहा था या पर मैं टीममेट्स को कवर दे रहा हूँ कि भाई जाओ स्कूल में बंदे हैं और मुझे इसकी कॉपरी नजर आई लेकिन शॉट मिस हो गया अब मैं इनको कवर ही दे रहा हूँ कवर में दे रहा हूँ कि स्कूल में भी बंधे अपार्टमेंट में भी बंदे, बंदे एकदम से भाई बैक से पूरी गाड़ी आती है तो इसको फुल स्प्रे दिया फुल देखो हेड पड़ रहे भाई फिर मैंने एक बंदा उतारा बाकी दो भी फुल लिट थे तो इनको मैं ज़रा टच करता हूँ वन वी थ्री कंप्लीट हो गया फास्टेस्ट वन वी थ्री है ठीक है

वो तो समझो मर गया लेकिन अभी मेरा टीममेट देखो फिस्ट हुआ आपके सामने आपने नोट नहीं किया होगा फिस्ट हुआ है मतलब कि इन बंदे ने फुल तारीफी है तीन सौ तेरह तीन सौ तेरह नाम था हम यहाँ से किसी तरह से मुश्किल से निकल गए यहाँ से सर्कल जाना था ये लोग फुल स्प्रे दे रहे थे और हेल्थ आपके सामने में पूरा ब्लू जोन से मुड़ के आ गया मैंने कहा इसको दे मार साढ़े चार वाला चुप करो शॉट मारना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम में मेरे टीमेट को फिस ना करे समझ आ रही है तो इसको मैं जैसे यहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ ना अभी देखना ज़रा ठीक है मैं इसको जैसी ना पट से हेड दे देता तो हूँ ये नॉक हो गया फिर से यहाँ से हमने निकलने वाला सीन करना था क्योंकि सर्कल नहीं था यहाँ पर और ये चिकन बहुत लाजमी था मैंने बोला था कि भाई चिकन करना है अपनी आवाम को चिकन दिखा और हर हाल में ये चिकन है आप लोगों ने देखना है अब यहां पर मैं रुका पर से सर्कल कट जाता है, पूरी स्टोरी है, ठीक है? कि किस किस तरह से पूरी होता तो और भी लेकिन क्या कर सकते ग्रोजा है, मैंने का, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है यहां पर पूरा मैं रुक रहा हूं फिर सर्कल कटा फिर मैंने टीमेट से कहा गाड़ी निकाल के यहाँ से निकलते हैं इस लोकेशन पर रुकते इस लोकेशन पर मैं जैसे ही रुकता हूं ना सामने मुझे बंदे नजर आते हैं अब मैं ये सोच

ठीक है नॉक हो गए दोनों बंदे मेरा एक किल चोरी हो गया और इसका जो एक और बंदा है वो इस सामने वाले इस रिच पे है समझ आ रही है अब मैंने इंतज़ार किया कि अभी मुझे नहीं था पता कि सामने इधर एक और बंदा जो है इसका ही टीम है मैंने कहा एक बंदा होगा तो मैंने टीम को कहा कि चलो यार सर्कल भी यहाँ पे नहीं है अब या तो डायरेक्ट ये क्या है सिटी के स्क्वाड हाउस जाना है या ऊपर वाली रिच पकड़ने तो देखो जरा क्या होता है देखो खेलना है मैं ना मैंने एक तो रिवेंज कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया ठीक है कंप्लीट डन जो भी हो ठीक है उसके बाद सर्कल पे हम पहुंच गए मैंने कहा भाई इसी रिच पे रहना है और सर्कल का इंतजार करना है अब जब इतना सब कुछ हो गया तो सर्कल ने भी कहा कि यार ये चिकन तो आप ले लो परवाह नहीं है ठीक है इतना बंदा स्पॉट होता है उसको भी मैं पट से हट सोच देता हूँ इसको भी मैंने मार दिया समझ आ रही है और ऑलमोस्ट चिकन हमारा ही था दो बंदे रहते थे ना अलग अलग टीम के थे यहाँ पर बंदे के नाम मुझे देख नज़र आ गया भाई वो घुटने ठेक के बैठा हुआ था इंतज़ार कर रहा था पहला शॉट दिया फिर दूसरे शॉट पर फिनिश कर दिया और एमओ भी मेरी ओम की ख़त्म होगी लास्ट बंदा रह गया था और अब जैसी ना ये जोन देखो कितने सेकंड से दस सेकंड से तो अब इसी तरह अब का चिकन डिनर हो गया तो यार यहाँ पर आपकी वीडियो तो यार यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है बाकी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये जो है खुशी से गुजारो ज़्यादा गोश्त नहीं खाओ नहीं तो पेट ख़राब हो जाएगा